ओम शांति। अपनी इस रूहानी यात्रा में आज सातवें दिन हम इसको और गहराई से, इस ज्ञान को और गहराई से सुनेंगे। आज हम इस पद प्रदर्शनी में जो ईश्वरीय ज्ञान व सहज राजयोग लिपि वृद्ध किया गया है, उसकी विस्तार पूर्वक शिक्षा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दी जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऊपर जो चित्र अंकित किया गया है वह उसकी मुख्य शिक्षा स्थान तथा मुख्य कार्यालय का है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना परम प्रिय परमपिता परमात्मा ज्योतिबिंद शिव ने 1937 में सिंध में की थी। 1937 में सिंध में की थी। परमपिता परमात्मा शिव परम धाम अर्थात ब्रह्मलोक से अवतरित होकर एक साधारण एवं वृद्ध मनुष्य के तन में प्रविष्ट हुए थे, क्योंकि किसी मानवीय मुख का प्रयोग किए बिना निराकार परमात्मा अन्य किसी रीति से ज्ञान देते। ज्ञान एवं सहज राजयोग के द्वारा सतयुग की स्थापनार्थ ज्योतिबिंदु शिव का जिस मनुष्य के तन में दिव्य प्रवेश अथवा दिव्य जन्म हुआ, उस मनुष्य को उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा यह अलौकिक नाम दिया। उनके मुखारविंद द्वारा ज्ञान एवं योग की शिक्षा लेकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले तथा पूर्ण पवित्रता का व्रत लेने वाले नर और नारियों को क्रमशः मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणिया अथवा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया कहा जाता है, क्योंकि उनका आध्यात्मिक नवजीवन ब्रह्मा के श्रीमुख द्वारा ज्ञान से हुआ। परमपिता शिव तो त्रिकालदर्शी हैं और वह तो उनके जन्म जन्मांतर की जीवन कहानी को जानते थे कि यह ही सतयुग के आरंभ में पूज्य श्री नारायण थे और समरणतार के कलाएं कम होते होते अब इस अवस्था को प्राप्त हुए थे। अतः इनके तन में प्रवेश होकर उन्होंने सन 1937 में इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ की अथवा ईश्वरी विश्वविद्यालय की 5000 वर्ष पहले की भांति पुनः स्थापना की। इन्हें प्रजापिता ब्रह्मा को ही महाभारत की भाषा में भगवान का रथ भी कहा जाता है। ज्ञान गंगा लाने के निमित्त बनने वाले भगीरथ भी और शिव वाहन नंदीगण भी कहा जाता है। जिस मनुष्य के तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया वह उस समय कलकत्ता के एक विख्यात जौहरी थे और श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। उनमें उदारता, सर्व के कल्याण की भावना, व्यवहार कुशलता, राज कुलोचित शालीनता, प्रभु मिलन की उत्कृष्ट चाह थी। उनके संबंध राजाओं और महाराजाओं से भी थे। समाज के मुखिया के कारण असाधारण एवं निम्न वर्ग से भी उनका खूब परिचय था। अतः वह अनुभवी भी थे और उन दिनों उनकी भक्ति की पराकाष्ठा तथा वैराग्य की अनुकूल भूमिका भी थी। उनके मुख द्वारा ज्ञान एवं योग की शिक्षा लेने वाले सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां में जो श्रेष्ठ थी उनका इस अलौकिक जीवन का नाम हुआ जगदम्बा सरस्वती। वह यज्ञ माता हुई। उन्होंने ज्ञान वीणा द्वारा जन जन को प्रभु परिचय देकर उनमें आध्यात्मिक जागृति लाई।
उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया और सहज राजयोग द्वारा अनेक मनुष्य आत्माओं की ज्योति जगाई। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती ने पवित्र एवं देवी जी का आदेश उपस्थित किया। तो इस प्रकार हमने देखा कैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कैसे सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बने और आज तक कैसे इस संस्था का लालन पोषण स्वयं परमपिता परमात्मा शिव कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।